स्टूडेंट्स टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने फैक्टोरियल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। हमको क्या करना है, 8 फैक्टोरियल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करके बतानी है कि कितनी होगी। तो देखिए, आपका इन जनरल n फैक्टोरियल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपका n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, और ये फर्दर ये सब कुछ सारे टर्म्स आपके मल्टीप्लाई होते हुए बढ़ते चले जा रहे हैं, एंड में आपको मिल जाएगा 3 इंटू टू इंटू वन। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल के लिए। यानी कि अगर n फैक्टोरियल है तो पहले हम n रख देंगे, मतलब जितना ये फैक्टोरियल है उतना n, फिर n से एक कम कर देंगे, फिर n से हम 2 कम कर देंगे, फिर n से हम 3 कम कर देंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये हमारा क्वेश्चन में हमको 8 फैक्टोरियल दे रखा है। तो 8 फैक्टोरियल को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इस पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 120 हो जाएगा। 120 हो गया ये यहां तक का प्रोडक्ट। ठीक है, ये 5 से लेकर के 120 तक का जो प्रोडक्ट है ये आपका कितना हो गया, ये आपका 120 हो गया। ठीक है, 120 हो गया, 120 में 6 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 720। ठीक है, ये आपका 720 आ गया। 6 से लेकर के 1 तक जाते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा प्रोडक्ट, ये 720 हो जाएगा। अब 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 56। तो हमें क्या करना है, 56 अभी मल्टीप्लाई करना है यहां पर, तो 56 मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा, 0। ये आपका 12 हो गया, कैरी आपका 1 लग जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 42 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 43। और ये आपका कितना हो जाएगा, 0। और ये आपका कितना हो जाएगा, 10। और ये आपका कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40320। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू बेटा आ रही है, वैल्यू आपकी ये आ रही है 40320। ठीक है, ये हमारा आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, ये हमारे सामने क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, तो इसको देखिए हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, ये आपका क्या लिखा हुआ है, 4 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल को हम ब्रेक करके हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस, और 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये आपका 4 3 जा 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 24 माइनस 6 हो जाएगा, आंसर आपको 18 मिल जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए, जैसा कि ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो इसमें हमें ये हमें चेक करना है, ठीक है, प्रूव नहीं करना है, ये हमको चेक करना है कि ये दोनों आपके इक्वल हैं आपस में कि नहीं। तो देखिए, पहले हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम RHS को सॉल्व करेंगे। तो LHS है हमारा 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको ब्रेक करेंगे, ये आपका 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 6 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो ये तो आपका हो गया 30। ठीक है, RHS निकालेंगे, RHS इज इक्वल टू है हमारा 7 फैक्टोरियल, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये आपका 7 इंटू, और देखिए हम लोगों ने इसके पहले भी क्वेश्चन करा था, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो 720 होती है, 720 इसकी वैल्यू होती है।
एक बार करके भी देख लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 × 4 × 3 × 2, ठीक है, 5 × 20 3 × 60 दूनी 120, 120 गुणा 6 कितना हो जाएगा 720, तो 720 गुणा 7। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 0, और 7 × 2 = 14, 14 का 4, और 7 × 7 = 49 + 1 कितना हो जाएगा 50, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको कितनी मिल गई है, 50 मिल गई है। तो आप कहीं से भी देख रहे हैं कि LHS और RHS इक्वल नहीं है। सो LHS नॉट इज इक्वल टू RHS, तो आपका आंसर हो जाएगा नो, ठीक है, ये इक्वल नहीं है। स्टूडेंट्स टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए ये हमको वैल्यू हमें निकालनी है, तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 8 × 6 × 2 हमारा लिखा हुआ है। एक्चुअली जब हम लोग फैक्टोरियल को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो देखिए जैसे हमारा n फैक्टोरियल है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, n × (n-1) (n-2) (n-3) और इसको एंड पर ले जाकर के हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 × 1 कर सकते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि फैक्टोरियल को आप पूरा एक्सपेंड करिए, उसकी वैल्यू आपको चाहिए तो आप उसको पूरा एक्सपेंड करिए। लेकिन कहीं पर रिक्वायरमेंट फैक्टोरियल को पूरा एक्सपेंड करने की नहीं है तो वहां पर आप जबरदस्ती फैक्टोरियल को पूरा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। उससे आपका सवाल तो सही होगा ही और आपका टाइम भी आपका बच जाएगा। अगर आप यहां पर अगर आप पूरा एक्सपेंड करेंगे फिर 6 × को भी पूरा एक्सपेंड करेंगे फिर क्या करेंगे, जो भी आपको वैल्यू मिलेगी काटेंगे आप उसको, तो उसमें आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो बेटर ये है कि देखिए ये आपका न्यूमरेटर में 8 लिखा हुआ है, अपॉन में आपका 6 लिखा हुआ है, तो हम इसको 6 तक ले जा करके हम छोड़ देंगे। तो देखिए जैसे n फैक्टोरियल मैंने ये एक्सपेंड करके पूरा लिखा हुआ है, तो n फैक्टोरियल को मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि देखिए ये आपका n हो गया, बट इसके पहले की ये जो क्वांटिटी है, ये जो पूरी की पूरी क्वांटिटी है ये क्या है, ये है n-1 है, ठीक है। तो n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n × (n-1) भी लिख सकता हूं, ठीक है, n × (n-1) मैं लिख सकता हूं। तो अब देखिए मैं क्या करूंगा, इसे मैं सॉल्व करूंगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 है तो 8 × 7 × 6 हो गया अपॉन, और ये आपका कितना हो जाएगा, 6 × ये आपका 2 है तो 2 की वैल्यू 2 ही हो जाएगी, और ये आपका 6 × 6 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे ये आपका कितने बार जाएगा, 4 times जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा 28। तो आपका 28 आंसर है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो इसमें हमको क्या करना है, x हमको फाइंड आउट करना है, तो जो कंडीशन है हम उसको लेकर के चलेंगे। देखिए ये हमारा क्या है, ये है हमारा 1/6 × 1/7 = x/8। तो देखिए इसमें हम सॉल्व करते समय देखेंगे कि यहां पर सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है हमारा 6, यानी जितने भी 6 से बड़े हैं तो उनको हम 6 तक हम ले जा सकते हैं, यही यहां पर हमें करना है। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है 1/6 है प्लस, और ये आपका क्या है 1/7 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 7 × 6 और ये आपका क्या हो जाएगा x अपॉन, और 8 को मैं लिख सकता हूं 8 × 7 × 6, ठीक है।
अब देखिए 6 फैक्टोरियल सब जगह पर है, तो 6 फैक्टोरियल को मैं कॉमन लेकर के काट सकता हूं। तो देखिए ये आपका 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल मैंने ले लिया कॉमन, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू, और ये आपका कितना हो जाएगा x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल से ये आपका 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, और यहां पर अब आप देख पा रहे हैं कि इसको जब हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 बाई 7 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 8 इंटू 7। तो ये आपका डिनोमिनेटर में है 7, तो आपका 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64, सॉरी 8 इंटू 8 इज इक्वल टू x हो गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूं 8 इंटू 8, तो आपको सॉल्व हो करके x की वैल्यू मिल जाएगी 64, और 64 आपका आंसर है। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए फ्रेंड्स, टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू 6 है, r की वैल्यू 2 है, तो ये आपका क्या है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपका n की जगह पर क्या है 6 है, तो ये आपका 6 फैक्टोरियल हो गया, और ये आपका क्या है 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, r की जगह पर मैंने क्या रखा है 2। ठीक है, तो ये आपका 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब फर्दर हम इसको आगे सॉल्व जब करेंगे तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 6 फैक्टोरियल है, तो 6 फैक्टोरियल को छोटा करके हम 4 फैक्टोरियल तक ले जा सकते हैं, तो ये आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई अपॉन में क्या है 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 आपका आंसर है। तो अब देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो अब हमें इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो देखिए n इज इक्वल टू 9 है, r इज इक्वल टू 5 है, तो यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, ये आपका 9 फैक्टोरियल अपॉन, और ये आपका क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये आपका 9 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब देखिए 9 फैक्टोरियल को हम छोटा करके हम 4 फैक्टोरियल तक ले जा सकते हैं, तो ये आपका 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में क्या है 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। अब ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 9 इंटू 8 कितना हो जाएगा 72 इंटू, और 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 इंटू 7 कितना हो जाएगा 210। ठीक है, अब देखिए 210 को हम 72 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 420, और ये आपका कितना हो जाएगा 0714। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 20 ये आपका 47 कितना हो जाएगा 11, और ये आपका कितना हो जाएगा 15, तो आपको आंसर मिल जाएगा 15120। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, इसको नोट डाउन कर